सनसनी ऑफ इंडिया। गोविंदपुरी इलाके में डीटीसी बस ड्राइवर की हत्या के मामले में दोनों पत्नियों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के बाद दक्षिण पूर्व जिले की पुलिस टीम ने अपनी जान पर खेलकर डीटीसी बस ड्राइवर की हत्या में वांटेड शार्प शूटर को झारखंड के एक ऐसे आदिवासी व नक्सल प्रभावित इलाके से दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है, जहां स्थानीय पुलिस भी छापेमारी करने से बचती है। शार्प शूटर को दबोच कर ला रही पुलिस टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया था। बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। पुलिस टीम पर पथराव करके शार्प शूटर को छुड़ाने का भी प्रयास किया गया। ऐसे में आदिवासी व नक्सल प्रभावित इलाके से शार्प शूटर को दबोचना खतरे से खाली नहीं था, फिर भी दिल्ली पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर नक्सली इलाके से वांटेड शार्प शूटर को निकालने में सफल रही। वांटेड शार्प शूटर ने गोड्डा झारखंड में अपने आसपास स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों का सुरक्षा चक्र बना रखा था, इसलिए उसे लगता था कि यहां उसे किसी भी राज्य की पुलिस छू भी नहीं सकती है, किंतु गोविंदपुरी थाना पुलिस व दक्षिण पूर्व जिले की स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने अपनी जान की परवाह किए बिना बड़ी हिम्मत व सूझबूझ से आदिवासी व नक्सल प्रभावित इलाके में घुसकर उसे दबोच लिया। शार्प शूटर की पहचान गोड्डा झारखंड निवासी 38 वर्षीय नयूम अंसारी पुत्र कुर्बान अंसारी के रूप में हुई है। दिनांक 6 जुलाई 2022 को 45 वर्षीय डीटीसी ड्राइवर संजीव कुमार की थाना गोविंदपुरी इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के मात्र 12 घंटे के अंदर जगदीश यादव एसएचओ थाना गोविंदपुरी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सुनील कुमार की टीम ने मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पहली पत्नी 42 वर्षीय गीता, दूसरी पत्नी 28 वर्षीय गीता उर्फ नजमा व मृतक की 21 वर्षीय बेटी कोमल को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन सुपारी किलर नयूम अंसारी व सुपारी किलर का जुगाड़ करने वाला मृतक की दूसरी पत्नी का फुफेरा भाई मनीष मिश्रा फरार हो गए थे। 6 जुलाई 2022 को गोविंदपुरी में संजीव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी बीवी नजमा अलियास गीता के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता गीता उस नजमा की जाँच करने पर के मोबाइल की जाँच करने पर पाया गया कि शिकायतकर्ता ने हत्या के समय मृतक द्वारा इस्तेमाल की गई बाइक की फोटो अपने फोन से डिलीट करी थी। उनके बयान पर संदेह पैदा हो गया और जब हमने उस पर इन्वेस्टिगेशन किया तो पाया कि मृतक की दो बीवियां थीं। पहली बीवी का नाम गीता था और उसके दो बेटे और एक बेटी हैं, और ये दूसरी बीवी जिसका नाम नजमा उर्फ गीता है, इन तीनों ने पहली बीवी, दूसरी बीवी और उनकी बेटी कोमल ने मिलकर के इस हत्या की साजिश रची। इसमें उन्होंने इकबाल, अपने कज़न इकबाल से एक शूटर के बारे में पूछा और इकबाल ने नयूम अंसारी पुत्र कुर्बान अंसारी के बारे में उनको जानकारी दी। नयूम और नजमा की मुलाकात हुई और ये डिसाइड हुआ कि 15 लाख रुपए में वो संजीव की हत्या कर देगा। 6/7/22 को शाम करीब 6 और 7 के बीच में संजीव के साथ जब नजमा बाजार आई तो नयूम ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और वो मौके से फरार हो गया। इसके बाद हमने गीता नजमा और कोमल को इसकी साजिश में अरेस्ट किया था और नयूम और इकबाल की तलाश में थे। दक्षिण पूर्व जिले की डीसीपी ईशा पांडेय ने फरार दोनों आरोपियों को किसी भी हाल में दबोचने के लिए प्रदीप कुमार एसीपी कालकाजी व मनोज सिन्हा एसीपी ऑपरेशन की सुपरविजन में इंस्पेक्टर जगदीश यादव एसएचओ गोविंदपुरी और इंस्पेक्टर ऐशवीर सिंह स्पेशल स्टाफ दक्षिण पूर्व जिला के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सुनील कुमार, आशीष सिंह, मंजीत, एसआई विवेक तोमर, रवि बेनीवाल, हेड कांस्टेबल नरसी, ऋषि राज, विकास, जय प्रकाश और बुद्धि प्रकाश की दो टीमों का गठन किया। मामले में शुरुआती सफलता के बाद स्थानीय मुखबिरों और वांटेड शूटर नयूम अंसारी के मोबाइल सर्विलांस से जगदीश यादव एसएचओ गोविंदपुरी की टीम को पता चला कि वारदात के तुरंत बाद आरोपी दिल्ली से गोड्डा जिला झारखंड भाग गया था और दूसरे आरोपी की लोकेशन वलसाड गुजरात आ रही थी। नयूम के फोन नंबर आने के बाद हमने जब सर्विलांस उसकी कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि नयूम की लोकेशन गोड्डा जिले में है, झारखंड में, और हमने एक टीम बना करके गोड्डा जिले झारखंड में अपनी टीम भेज दी। इंस्पेक्टर ऐशवीर सिंह स्पेशल स्टाफ दक्षिण पूर्व जिला के नेतृत्व में पहली टीम जिला गोड्डा झारखंड के लिए रवाना हुई। वहीं एसआई रवि बेनीवाल के नेतृत्व में दूसरी टीम वलसाड गुजरात के लिए रवाना हुई। वहां पे स्रोतों को खोजा और तकनीकी निगरानी लगाई, स्थानीय पुलिस की मदद से जानकारी एकत्रित करी
और 10 तारीख को नईम के आवास पर छापा मारा, पर नईम वहां से पहले ही भाग चुका था। यह क्षेत्र एक आदिवासी क्षेत्र है और कई नक्सल गतिविधियां भी यहाँ पर पहले हो चुकी हैं, जिस वजह से यह एक खतरे से खाली नहीं था इस तरीके की ऑपरेशन। फिर हमें पता चला कि नईम की लोकेशन गांव जमुनी पहाड़पुर में है और वहां पर हमने 12 तारीख को दोबारा हासबिता गांव झारखंड में रेड करी। छापेमारी के दौरान हमें पता चला कि नईम अपने एक जानने वाले शब्बीर अंसारी के साथ भाग गया है। शब्बीर अंसारी का मोबाइल फ़ोन लेने में, नंबर लेने में हम सफल हुए और उसकी सर्वेलेंस के दौर की वजह से हमें यह पता चला कि शब्बीर की लोकेशन कहाँ पे है। जब शब्बीर की लोकेशन आई तो हमने ये पाया कि लगभग मेन रोड से 50 किलोमीटर जंगल के अंदर एक आदिवासी क्षेत्र में रतनपुर गांव के पास शब्बीर की लोकेशन है और हम उसे पकड़ने में कामयाब हुए। शब्बीर ने फिर बताया कि नईम अंसारी को उसने एक गांव घटियारी के पास अपनी गाड़ी से बाइक से छोड़ा था। फिर घटियारी की तरफ हमारी टीम रवाना हुई और वहां कई घरों में तलाश करने के बाद एक घर के फर्स्ट फ्लोर पर, पहली मंजिल पर नईम हमें मिल गया, जिसको पकड़ने में हम कामयाब रहे। गोड्डा जिला में आरोपी का गाँव संथाल इलाका विशेष रूप से आदिवासी समुदाय का है। यह इलाका नक्सली गतिविधियों के लिए जाना जाता है, जहां स्थानीय पुलिस भी छापेमारी करने से बचती है क्योंकि यहां पुलिस टीम पर आदिवासी नक्सलियों द्वारा हमले की कई घटनाओं का इतिहास है। कई बार ये आदिवासी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी बंधक बना चुके हैं, इसलिए इस इलाके में कोई भी इतनी जल्दी हाथ नहीं डालता है। फिर भी इंस्पेक्टर ऐशवीर सिंह की टीम बिना डरे हिम्मत के साथ आरोपी को खोजने में लगी रही। टीम जब आरोपी को दबोचकर दिल्ली ला रही थी, इस दौरान सभी ग्रामीण वहां जमा हो गए और छापेमारी करने वाली टीम को घेर लिया। ग्रामीणों ने नईम की गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू कर दिया और गांव से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए। नईम अंसारी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने का प्रयास करने लगे। गंभीर हालात को देखते हुए टीम के सदस्यों ने बड़ी चतुराई से काम लिया और ग्रामीणों को बातों में उलझाकर कारों को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए गाड़ियों को धीरे धीरे चलाते हुए और मौका देखते ही एक झटके में रिवर्स मोड में भगा दिया। ग्रामीणों ने पुलिस टीम की कार पर पथराव किया, लेकिन टीम बिना किसी नुकसान के आदिवासी नक्सली इलाके से नईम को निकालने में सफल रही। आरोपी को झारखंड की अदालत से ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया और दिल्ली लाया गया। इसमें हमारी टीम ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और आरोपी नईम अंसारी ने खुलासा किया है कि मृतक संजीव की पत्नियों ने संजीव कुमार की हत्या के लिए उसके चचेरे भाई इकबाल के जरिए नईम को काम पे रखा था, जिसके लिए उसने 20,000 रुपये अपने खाते में प्राप्त भी किए थे। और इस टास्क को पूरा करने के लिए वह अपने दोस्त मनीष के साथ दिल्ली आया था और लाजपत नगर में रहने वाले उसके चचेरे भाई की बाइक को उसने इस्तेमाल किया था। हमने नईम, उसकी दोनों बीवियां, संजीव की दोनों बीवियां और उसकी बेटी को अरेस्ट कर दिया। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र
विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।